रंजन के बाद जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और बहुत दुखद खबर के साथ कल रांची को मिली जो संध्या टोपने है वो शहीद हो गई अपने ड्यूटी के दौरान ही। गौ तस्करों ने बहुत बेरहमी से उन्हें कुचल डाला, मार डाला, हत्या हो गई। एक्सीडेंट तो नहीं है, ये साफ तौर पर लग रहा है हत्या है, क्योंकि सुबह के 3 बजे एक अकेली महिला वहाँ पे चेकअप के लिए, कई सारे सवाल जो है विपक्षी भी खड़ा कर रहे, वो कह रहे कि सुबह 3 बजे जब 10 लोग थाना में मौजूद थे, 10 आदमी थे, तो फिर अकेली औरत को क्या ज़रूरत था वहाँ पे भेजने का और उनके साथ और भी बल क्यों नहीं मौजूद थे। कई सारे सवाल है, लेकिन हम आज उनका अंतिम संस्कार हुआ है और हम उनके घर पर मौजूद है, हमारे साथ उनकी बहन मौजूद है, कुछ हम उनसे हम खास बातचीत करेंगे। दीदी आपका नाम क्या हो गया? सीमा टोपनो। आपकी बहन जो है ड्यूटी के दौरान शहीद हुई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या भावना है आप? देखिए वो बहुत कर्मठ व्यक्तित्व था उनका, वो इस फील्ड को उसने चुना था क्योंकि वो इसी फील्ड में जाना चाहती थी और लकीली वो 2018 बैच की थी और काफ़ी टैलेंटेड थी, लेकिन जब वो ड्यूटी आर्मी थी और जिस नेग्लिजेंसी उनके साथ हुई है ना, ये बहुत इसका ही लॉस हम आज देख रहे हैं कि आज हमारी बहन हमारे साथ नहीं है। जब उन्हें ड्यूटी दिया गया और जब पता था कि पिकअप वैन ऑलरेडी सिमडेगा और बसिया की ब्रैकेट तोड़ के आ रही है बैरिकेड, तो जब थे सब इंस्पेक्टर्स थे जब थाना में, तो सिर्फ लेडी को क्यों भेजा गया, लेडी को क्यों भेजा गया और उनके साथ सिर्फ एक ड्राइवर और 2 हवलदार, ये कहाँ का इंसाफ है? और उन्हें रात में इंटीरियर एरिया में क्यों दिया गया ड्यूटी, और रात में क्यों दिया गया ड्यूटी? रात में चलिए पेट्रोलिंग होती है, बट इंटीरियर एरिया में आप लेडी को नहीं भेज सकते ना, अगर कुछ इस तरह का केस होता है तो फोर्स भेजिए आप। तो बस हम अपनी बहन के लिए इंसाफ चाहते हैं और जो उनके इंस्पेक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो टॉर्चर करते थे मेरी बहन को, इतना फाइट्स दे देते थे उनको, दिन में भी ड्यूटी, रात में भी ड्यूटी, इस तरह का प्रेशराइजेशन कोई सह नहीं सकता। और वो एक ऑफिसर थी, कोई नॉर्मल ये नहीं थी, उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया गया। हम तो आपने जो टॉर्चर शब्द का इस्तेमाल किया, आपके हिसाब से ऐसा क्यों? वो बहुत ईमानदार थी तो चलो इसको टॉर्चर का, ऐसा कुछ था? ऐसा नहीं, देखिए अगर वो वहाँ की थाना SI थी तो उनको काम थोड़ा स्लो में भी दिया जा सकता था ना, लाद नहीं दिया जा सकता था काम को, उनको जो भी आता था केस उनके ऊपर लाद दिया जाता था और उनको प्रेशराइज किया जाता था, ड्यूटी भी दिया जाता था सुबह भी, फिर नाइट ड्यूटी पेट्रोलिंग करो, तो आप समझिए कि किस तरह का उनके ऊपर बर्डन था। जिस तरह का सिचुएशन था, जिस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया था, मुझे तो लगता है टॉर्चर था उनके ऊपर। इसको कह सकते हैं ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है क्या? हो सकती है। देखिए उनको लगातार 7-8 दिन से नाइट ड्यूटी दिया जा रहा था, तो वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी, क्योंकि उनको वो बोली भी थी और उनको छुट्टी भी नहीं दिया जाता था, नहीं आइए केस है आप करके जाइए, नहीं आप फ्री क्यों हैं और छुट्टी क्या सबको ले रहा है क्या जो आप ले रहे हैं? वो एक लेडी ऑफिसर थी, लेडी को प्रिविलेज मिलना चाहिए आप किसी भी पोस्ट में क्यों ना हो, तो मुझे तो लगता है कि ये समझी, मतलब क्या एक साजिश है। आप एक बात बताइए, उनके साथ घर में वो कैसे रहती थी, उनका व्यवहार कैसा था थोड़ा? घर में वो सबका बहुत केयर करती थी, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, इवान रयान, उनको 2 छोटे बच्चे हैं मेरे, उनकी वो मम्मी थी, मतलब मेरे से ज़्यादा वो उन्हें प्यार करती थी और उनका बहुत केयर करती थी, मेरी मम्मी का भी बहुत केयर करती थी, क्योंकि लिए भाई भी ड्यूटी, मतलब हम लोग सभी ड्यूटी में थे, तो वो सोचती थी कि मैं तो शादी करूंगी नहीं और मैं मम्मी का काफ़ी केयर करूंगी, तो वो मतलब उन्होंने ये भी कहा था कि मैं शादी नहीं करूंगी उससे, क्योंकि वो जो टॉम बॉय था तो उसको नहीं लगता था कि हम अपने जो जॉब में कोई बैरियर आया, मतलब मैं फ्री से अपना जॉब करना चाहती हूँ, मतलब पूरा डिवोटी होकर, तो वो ज़्यादा वो समर्पण थी इस फील्ड बहुत। आप देखिए ना उनका वहाँ पे एक फोटो, परेड में भी वो आगे रहती थी, सब चीज़ में जितना भी परेड होता था उनको ही बोला जाता था करने के लिए, और स्कूल बिशप एस्कॉट से पढ़ी है वो डोंडा से, और बहुत ही अच्छी छात्रा थी और उन्होंने इतना गेम्स में आगे रहती थी, इतना मेडल उसके पास है कि पूछिए मत, वो मतलब इसी के लिए बनी थी। और देखिए आज तो ये संध्या जी के साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो सकता है। इसके लिए आपको जो प्रिविलेज मिला है वुमेन को, वो उनका हक के लिए हम आज हम बोलेंगे, तभी तो कल और संध्या जो आगे बढ़ सके, तो बीच में ही इसको रोक दिया गया, हम तो यही कहेंगे। बताइए ये शुरू से मेधावी छात्र रही होगी, जिस दिन वो ड्यूटी जा रही थी परसों, यानी कल सुबह 3 बजे की घटना है, कल रात में आपसे कुछ बात हुई थी, लास्ट मीटिंग क्या था, कैसा व्यवहार था ये? देखिए उनका तो रात में ड्यूटी रहता था, तो मैं तो ऊपर रहती हूँ, तो बच्चों के साथ मैं होमवर्क करा के सो जाती हूँ, मम्मी उसको फिर नाइट भाई छोड़ने जाता है, उसको भाई उसको छोड़ देता है वहाँ पे, उसके बाद फिर वो अपना आ जाती है 4 बजे, पेट्रोलिंग वैन जो है उसको घर पे ड्रॉप कर देती है,
तो उस दिन बस यही हुआ कि मम्मी उससे बात करते रहती है, लेकिन उस दिन क्या हुआ ना, शायद मम्मी की भी आँख लग गई होगी रात में, काफ़ी रात हो गई थी, और फिर मोबाइल भी मम्मी का चार्ज नहीं था, तो बस उतना बात नहीं हो पाया उससे, और वो भी बात करते रहती है मम्मी से, लेकिन शायद उस दिन बिजी था, इस तरह का ये था, तो वो नहीं बात कर पाई उतना बस, और लास्ट तो कुछ बात नहीं, मॉर्निंग में बस बात हुई थी। वो खबर कैसे मिली? 4 बजे भोर में पुलिस थाना से आए थे लोग, वो कह रहे थे कि नहीं हाँ हॉस्पिटल जाना है, तो बताए कुछ नहीं, बस बोले कि एडमिट है, क्रिटिकल सिचुएशन है, यहाँ समर नर्सिंग में लेके आए थे, तो उनका सांस चल रहा था, ऐसे वो कह रहे हैं, लेकिन ले जाते ज़्यादा क्रिटिकल हो गया सिचुएशन, तो नहीं बच पाई। तो हमारा घर यहीं पड़ता, काफ़ी दूर नहीं है समर नर्सिंग से, यही रूट पर, या किसी को इन्फॉर्म करना चाहिए हमें, हम घर के लोग जाते हैं, अभी वहाँ पे क्या सिनेरियो था हमें नहीं पता है ना, वो तो कुछ भी बोल दे रहे हैं, हम क्या जानते हैं, हम तो विटनेस, तो वो लोग जो बोलेंगे हमें यकीन करना पड़ रहा है, तो ये उनको इन्फॉर्म करना चाहिए था, जब सब चीज़ हो गया तब क्यों इन्फॉर्म कर रहे हैं उनको, और ऐसे न्यूज़ में दिखा रहे हैं कि स्पॉट डेथ हो गया, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि नहीं सांस चल रही थी, समर नर्सिंग में लाया गया था उन्हें। दो देखा जाए तो पूरा का पूरा ये हत्या, हाँ दो दो स्टेटमेंट दिया जा रहा है, तो हम सेटिस्फाई नहीं है, मतलब जो बोला जा रहा है ना, हमको लगता है कि जांच होनी चाहिए बस, आप क्या डिमांड करती है, बस जांच होना, सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन सीबीआई जांच नहीं, फास्ट जो भी हो रिजल्ट, मतलब उसके उसके साथ कोई नाइंसाफी ना हुई, बस मुझे ये जानना है। बहुत बहादुरी का परिचय दिया है, इसके लिए तो जो भी कहा जाए वो कम है। आने वाली बेटियों के बारे में आप खुद उनकी बड़ी बहन, उनके साथ आपने क्या संदेश देना चाहेगी? तो कई बार कुछ पेरेंट्स लगता है ये तो शहीद होगी, हम कैसे भेजें अपनी बेटियों को? नहीं देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आप इस फील्ड में आप शहीद होगे, आजकल लड़कियाँ कहाँ नहीं कर रही, पायलट है, डॉक्टर है, IAS है, IPS है, क्या इस फील्ड में डर नहीं है क्या? लेकिन अगर हम मोटिवेट नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जनरेशन, आप इक्वलिटी कहाँ रह जाएगा, हम बात करते हैं कि वी नीड इक्वलिटी, कहाँ होगा, जब हम उनको इनकरेज नहीं करेंगे तो हम बराबरी कहाँ कर पाएंगे, और लड़कियों की बराबरी कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि लिए हमने कभी इक्विटी मांगा ही नहीं है, क्योंकि लिए वो हमें दे ही नहीं पाते, हमने इक्विटी मांगा, इक्विटी दैट मीन्स कि हम एज अ मदर एक बच्चे को बॉर्न कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं, मैन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन तब भी क्या हमें इक्वलिटी चाहिए, जब वो इस फील्ड में थी तो उसे हर चीज़ मिलना चाहिए था, प्रिविलेज मिलना चाहिए था, अगर इस तरह के, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस फील्ड में जाते हैं जो ऑफिसर हैं उनको अपने लेडी ऑफिसर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, उन्हें कॉपरेट करना चाहिए और बढ़ने के लिए उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। बस बात बताइए, अब वो नहीं है, आप कैसी कमी महसूस करेंगे उनके बिना? आप वो जो थी ना उसकी कमी पूरी नहीं हो सकती है, वो जो इतनी मेधावी छात्र थी और इतनी टैलेंटेड थी ना हर फील्ड में, उन्हें गैजेट्स का शौक़ था, गेम्स का शौक़ था, मतलब हर चीज़ को वो इतने अच्छे से गेन करती थी, मतलब कोई भी चीज़ को तुरंत सीखने का आदत था उसको, और वो काफ़ी टैलेंटेड थी, उसका कमी कभी नहीं, और बहन एज अ बहन अगर हम देखें तो इसकी जगह कोई नहीं ले सकता है। तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं इनकी बड़ी बहन को कहते हुए कि इनका जो जगह है कौन नहीं ले सकता, और वाकई में जो इंसान, जो व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अगर देश के लिए बलिदान देता है तो उनका जगह वाकई में कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि अपने आप में बहादुरी का जो सर्वोच्चम स्थान होता है, शायद ये उससे भी शायद ऊपर होगा इनका स्थान। हम फिलहाल इनके घर में मौजूद है और फिलहाल एक प्रेयर मीट चल रहा है, मैं चाहूँगी अपने विजुअल के माध्यम से आपको हम प्रेयर मीट का भी सीन, प्रेयर आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रेयर मीट चल रहा है, यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा है प्रेयर मीट के लिए, संध्या जी के प्रेयर करो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेयर चल रहा है, और साथ ही तो आपने साफ तौर पर देखा कि यहाँ पर प्रेयर मीट चल रहा है, और उनकी बहन से भी हमने आपको खास रूबरू कराया, उनका बहन का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें शक हो रहा है ये पूरा का पूरा हत्या है, एक महिला को टॉर्चर किया जा रहा है, एक्स्ट्रा फाइल उनको दे दिया जाता था, रात में उनको भेजा जाता ड्यूटी पे, और काफ़ी उन्होंने ये भी कहा कि 9-10 दिनों से काफ़ी टेंस थी, काफ़ी परेशान थी वो, क्योंकि उनकी बातें सुनी भी नहीं जाती थी, बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। खैर ये तो जाँच का विषय है, जाँच में क्या कुछ निकल के आता है, लेकिन परिवार वालों का तो साफ कहना है कि चीज़ें जो है वो असलियत निकल के सामने आनी चाहिए, क्योंकि ऑन
स्पॉट डेड की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका सांस चल रहा था जब वो समर हॉस्पिटल जो कि बगल में है वहाँ पर सांस चल रहा था। तो एग्जैक्ट इनको इन्फॉर्मेशन भी मौके पर नहीं दिया गया, बल्कि टूबू दाना का जो जहाँ पर ये घटना हुई और इनका घर महज 500 मीटर की दूरी पर होगा, तो इतनी कम दूरी पर भी आपको 2-3 घंटा बाद इन्फॉर्म किया जाता है तो कहीं ना कहीं बात में शक तो होता ही है। हम आपको ऑन द स्पॉट के भी विजुअल्स हम आपको दिखाएंगे और वहाँ का भी खबर दिखाएंगे। आप बने रहे जीएन भारत के साथ, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। मैं शिखा श्रे अपने सहयोगी राशिका बजाज के साथ, धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।